नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इस वक्त मैं मौजूद हूं बेंगलुरु में, नेहरू तारामंडल में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु आने जा रहे हैं। वही बेंगलुरु जहां से एक इतिहास रचा गया, जहां से भारत ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। हमारे वैज्ञानिकों की चर्चा पूरे दुनिया भर में हो रही है, और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्रिक्स सम्मेलन से लौटेंगे तो सीधा वैज्ञानिकों के पास आएंगे, सीधा इसरो सेंटर आएंगे, और यहां आकर वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाएंगे, उनकी हौसला अफजाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने खास तैयारी कर रखी है। बेंगलुरु यूनिट ने इस मौके को बड़ा कार्यक्रम बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बेंगलोर आएंगे, वैज्ञानिकों के बीच में जाएंगे, उससे ठीक पहले उनका HAL एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया जाएगा। करीब 6000 लोगों की भीड़ पीएम मोदी का स्वागत करेगी। जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो भी कर सकते हैं। ये 23 किलोमीटर का रोड शो हो सकता है, क्योंकि HAL एयरपोर्ट से अगर इसरो सेंटर की आप दूरी को तय करेंगे, दूरी को अगर मापेंगे, तो ये दूरी 23 किलोमीटर की है। यानी एक लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। यानी बेंगलोर की सड़कें एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार हैं हमारे वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाने के लिए, हमारे वैज्ञानिकों को यह बताने के लिए कि उन्होंने जो करके दिखाया है, जो काम करके दिखाया है, वो काम दुनिया में कोई नहीं कर पाया। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ने सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है, क्योंकि भारत वो पहला देश बन चुका है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा है। प्रज्ञान रोवर ने अपना काम शुरू कर दिया है। लैंडर विक्रम से निकलकर प्रज्ञान रोवर अब चंद्रमा पर चल रहा है। चंद्रमा पर चलते हुए चांद के साउथ पोल में क्या छिपा हुआ है, इसकी एक एक जानकारी हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंचा रहा है। 14 दिन तक प्रज्ञान रोवर यूं ही काम करता रहेगा। 14 दिन तक चांद के साउथ पोल पर क्या छिपा हुआ है, ये जानकारी लगातार मिलती रहेगी। और इसके साथ ही साथ पूरी दुनिया को भारत ये बता देगा कि आखिर भारत साउथ पोल पर पहुंचा है तो वहां से क्या मिला है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश से लौट रहे हैं तो सीधे वो बेंगलोर आएंगे और इसरो में साइंटिस्ट की मेहनत पर उनकी पीठ थपथपाएंगे, उन्हें बताएंगे कि उन्होंने जो कुछ किया है वो इस देश के लिए कितना अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यक्रम है वो कितना बड़ा होगा, इसकी जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी पवन नारा। एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचेंगे और 26 अगस्त को सुबह 5:55 पर वो HAL एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, और यहां उनका स्वागत करने के लिए 6000 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद होंगे। यहां भीड़ को काबू करने के लिए बैरिकेडिंग की जा रही है, और यहां से रोड के रास्ते सीधे पिन्या इलाके तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिन्या इलाके में 1 घंटे का रोड शो करेंगे। हम आपको हर वो स्थान दिखाएंगे जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा। चूंकि सुबह जल्दी का वक्त है, अमूमन बेंगलोर की ट्रैफिक को देखते हुए प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क के रास्ते पिन्या इलाके तक जाएंगे, और यहां उसी की तैयारियां फिलहाल चल रही हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में इस तरह से बैरिकेड बुलाए गए हैं और इनको क्राउड कंट्रोल के लिए बैरिकेड लगाया जा रहा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे तो यहां 6000 लोग इकट्ठा होंगे जो प्रधानमंत्री के साथ भारत के जश्न में शामिल होंगे। जश्न भारत के वैज्ञानिकों का, जश्न भारत के विज्ञान का, जश्न चंद्रयान 3 का, और सबके हाथ में चंद्रयान 3, भारत के तिरंगे, और चंद्रमा पर लैंड हुए विक्रम लैंडर की तस्वीरें होंगी। ये बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा, और नरेंद्र मोदी का मकसद है वैज्ञानिकों से मुलाकात कर उनके हौसले को बढ़ाना, ताकि भारत विज्ञान में और आगे बढ़ सके।
एचएल एयरपोर्ट पर भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि को दिखाने के लिए अलग अलग स्टेज भी बनाए जाएंगे और बीजेपी के कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे हैं कि जब बड़ी संख्या में इस इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद होंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें संबोधित भी करें। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक इस बात का कन्फर्मेशन नहीं है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे या नहीं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधे घंटे के लिए यहां एक स्पेस टाइम रिजर्व रखा गया है और उसी आधे घंटे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं और इस बात का कन्फर्मेशन आना अभी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम तय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के वैज्ञानिकों के बीच में जाएंगे। इसरो के वैज्ञानिकों को ये बताएंगे कि उन्होंने जो ये कारनामा करके दिखाया है, उन्होंने जो उपलब्धि देश के नाम में पर जोड़ी है, वो उपलब्धि कितनी बड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे, संबोधित किया था इस सफल लैंडिंग के बाद, तब भी प्रधानमंत्री ने बताया था कि जीवन धन्य हो जाता है जब अपने आगे इतिहास बनते देखते हैं। ये हमारे वैज्ञानिकों की काबिलियत है कि आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के नाम का डंका बज रहा है। मेरे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी टी राघवन हैं और पवन नारा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राघवन, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। प्रधानमंत्री का बैंगलोर आना, वैज्ञानिकों के बीच में जाना, उन्हें संबोधित करना और ये बताना कि उन्होंने क्या करके दिखाया है, इसके क्या मायने हैं, पूरी दुनिया में उनकी कैसे चर्चा हो रही है, क्या संदेश जाएगा सीधा सीधा? जी बिल्कुल, देखिए जैसा आपने बताया कि जिस दिन ये सफलता का इतिहास रचा जा रहा था प्राची, उसी वक्त वो विदेश दौरे पर थे, लेकिन जोहान्सबर्ग से सीधे वो इस ट्रैक जुड़े थे। उन्होंने वहाँ पर वो पूरा लैंडिंग का कार्यक्रम देखा, उसके बाद उन्होंने संबोधित भी किया। उसी के तुरंत बाद हमने देखा कि तुरंत प्रधानमंत्री ने जो इसरो चेयरमैन हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, उनको फ़ोन किया। उस फ़ोन कॉन्वर्जेशन के दौरान भी उन्होंने बताया कि अगर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आपसे मिलने बेंगलुरु पहुँचूंगा, और उसी कार्यक्रम के तहत कल वो जल्दी सुबह यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैसे हमारे सहयोगी पवन ने बताया, एक भव्य कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन भी किया गया है। लेकिन जब हम इसरो के वैज्ञानिकों से बात करते हैं, उन वैज्ञानिकों से बात करते हैं जो इस पूरे मिशन से जुड़े हुए थे, तो उनका कहना है कि ये उनके लिए एक मोमेंटस ओकेजन होगा जब खुद जो है देश सर्वोच्च नेता उनके बीच में आएगा और उनके साथ हौसला अफजाई करेंगे, तो इससे जो फ्यूचर मिशन है प्राची, उसको और ज्यादा उनको मेहनत जब रंग लेकर आती है और पूरी दुनिया में अगर आपका डंका बजता है और ऐसे में आपके जो नेता हैं, आपके जो प्रधानमंत्री हैं, वो अगर आकर आपकी पीठ थपथपाए तो वाकई में ये पल यादगार हो जाता है। मैं लौटू आपके पास राघवन, मैं पहले पवन नारा के पास चली जाती हूँ। पवन, क्या आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, बैंगलोर कितना तैयार है प्रधानमंत्री के आने के लिए, बीजेपी ने क्या खास तैयारी की है, जब प्रधानमंत्री आएंगे तो कितना बड़ा ये कार्यक्रम रहने वाला है? रांची, मैं आपको बता दूं, बैंगलोर भागता दौड़ता शहर है। इस वक्त जालहल्ली चौराहे पे हम खड़े हैं। जालहल्ली चौराहा वो चौराहा है जहां से पेनिया का जो स्ट्रेक्स सेंटर है, मिशन कंट्रोल रूम है, वो 1 किलोमीटर दूर है, और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस इलाके में रोड शो शुरू होगा। फिलहाल आपको बेंगलोर में जैसा ट्रैफिक दिखाई देता है वैसा ट्रैफिक देगा, लेकिन इस पूरे रास्ते की मरम्मत की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले, और इसी पॉइंट से शुरू होकर ये रोड शो 1 किलोमीटर तक मिशन ऑपरेशन सेंटर तक जाएगा। उसके लिए यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7 बजे से 8 बजे तक के बीच मिशन कंट्रोल रूम में मौजूद होंगे। वो मिशन कंट्रोल रूम जहाँ से चंद्रयान की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, डेटा लिया जा रहा है, और चंद्रयान 3 की पूरी टीम, सभी साइंटिस्ट सबसे मुलाकात करेंगे। और ये बड़े खास बात है उन साइंटिस्ट के लिए जो लगातार रिसर्च में लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं, और ये देखने के लिए इस मकसद पे अपने 4 साल उन्होंने लगा दिए, क्योंकि चंद्रयान 2 के बाद 3 के बीच 4 साल का वक्त था। वो एकाग्रता वैज्ञानिकों ने दिखाई और अब सफलता पाई है, तो वही खुशी साझा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं। रात रात में इस इलाके में तैयारियां ऐसी होंगी कि सुबह जब नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजरेंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने में शामिल होंगे।
बिल्कुल, देखिए सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तब यहां पर माहौल ऐसा होगा जैसे कोई जश्न का माहौल हो, और ये पूरे देश के लिए जश्न की बात भी है। देश के वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से अपनी मेहनत के जरिए पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के नाम का डंका बजाया है, हर एक हिंदुस्तानी को गर्व है, हर एक भारतीय को गर्व है, हर एक भारतीय चंद्रमा से आ रही उन तस्वीरों को देखकर भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जिस हिस्से में दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है उस हिस्से में भारत का ज्ञान रोवर चल रहा है और एक एक जानकारी दुनिया तक पहुंचा रहा है। राघवन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे, बिल्कुल राघवन मैं आपके पास लौटू उससे पहले पवन एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी, आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां पर हलचल भी साफ तौर पर देखी जा रही है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे वैज्ञानिकों के बीच में जाएंगे, वो लम्हा भी पवन हमें याद है कि जब सफल लैंडिंग हुई थी तो इसरो चीफ से फोन पर प्रधानमंत्री ने बात की थी और तब जो कहा था कि मैं बैंगलोर आऊंगा आपसे आकर मुलाकात करूंगा, वो वादा प्रधानमंत्री निभा रहे हैं और एक बार फिर से पीठ थपथपाते हुए नजर आएंगे वैज्ञानिकों के। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया प्राची, डॉक्टर एस सोमनाथ से कल जब इंडिया टीवी बात कर रहा था तो उनकी आवाज में भी वो उत्सुकता थी। जब हमने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं तो उन्होंने कहा था हम उनसे उनके स्वागत के लिए तैयार हैं, और मिशन कंट्रोल रूम में लगभग 150 से ज्यादा साइंटिस्ट की टीम बैठती है जो पूरी गतिविधियों पर नजर रखती है। न सिर्फ वो लोग मौजूद होंगे बल्कि सैटेलाइट के निर्माण से लेकर टेस्टिंग तक और फ्लाइट पाथ से लेकर रॉकेट तक अलग अलग इसरो के एजेंसी शामिल होती हैं, उन सब के लोग मिशन ऑपरेशन सेंटर में होंगे और प्रधानमंत्री सिर्फ उनसे मिलने आ रहे हैं। एक घंटे का प्रोग्राम उनके लिए रखा गया है। जरा एक बार तस्वीरें दिखा दूं, ये जालहल्ली क्रॉसिंग है, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। चंद्रयान 2 के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां बेंगलुरु आए थे तब दिन का वक्त था, तो उस वक्त प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए HAL से यहां पीनिया इलाके तक आए थे, लेकिन अब की बार चूंकि सुबह 5:55 पर बेंगलोर पहुंच रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग में अगर वो सड़क के रास्ते आते हैं तो बेंगलोर वासियों को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, इसीलिए वो सड़क के रास्ते आएंगे और ठीक इस चौराहे से आगे ये पीनिया इलाका आता है, पीनिया इंडस्ट्रियल एरिया बोला जाता है, और इस इंडस्ट्री को आप कह सकते हैं ये भारत की स्पेस साइंस इंडस्ट्री है जहां इसरो के अलावा बाकी वो सब प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इसरो के लिए इक्विपमेंट बनाते हैं, असेंबलिंग उनकी होती है, टेस्टिंग उनकी होती है, तो ये पूरा इलाका वैज्ञानिक इलाका कह सकते हैं या कह सकते हैं इसरो की धड़कन इसी इलाके में बसती है, और यही इलाका बेंगलोर की, यही इलाका पूरे विश्व में भारत के बिल्कुल देखिए पहचान है, और यहां जो पहचान है वो चंद्रयान 3 बन चुका है, हमारे वैज्ञानिक बन चुके हैं जिनकी दिन रात की कड़ी मेहनत ने वो सफलता हासिल की जिसे कोई भी देश हासिल नहीं कर पाया, और इसीलिए मौका है जश्न का, इसीलिए मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो वैज्ञानिकों को ये बताएंगे कि उनका ये योगदान कैसे सबको गौरवान्वित कर रहा है। राघवन, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल आना है वैज्ञानिकों के बीच में, वो मौजूद रहेंगे, उनकी पीठ थपथपाएंगे, हौसला अफजाई करेंगे, वहां से भविष्य को लेकर भी संदेश देंगे, लेकिन आज जो इसरो की तरफ से तस्वीरें जारी की गई हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि लैंडर विक्रम से कैसे प्रज्ञान रोवर अलग हुआ और फिर अपने काम पर लग गया, 14 दिन तक ये काम चलता रहेगा, एक एक प्लानिंग जो इसरो की तरफ से की गई थी राघवन वो बिल्कुल सटीक साबित हो रही है, इसलिए विजयगान और भी भव्य है और भी बड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए और ये हम जब बात करते हैं इसरो के वैज्ञानिकों से तो वो कहते हैं कि हमें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि हमें इतनी समतल जगह वहाँ पर मिल जाएगी, जिस जगह पर लैंडिंग स्पॉट जो है, जो अभी विक्रम लैंडर जहाँ पर लैंड हुआ और वहाँ से जो प्रज्ञान रोवर है जिसकी जिन तस्वीरों की का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, आप ये समझिए सारी स्पेस एजेंसियां, लोग जो उत्सुक हैं, जो स्पेस साइंस को जानना चाहते हैं, इतनी खूबसूरत तस्वीरें जब प्रज्ञान रोवर जो है रैम से बाहर निकलकर जा रहा है, और अब जैसा इसरो ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जिसकी पूरी दुनिया, पूरी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको इंतजार है, वो सब भी रोल आउट होना शुरू हो गया, और डाटा इतना ज्यादा आ रहा है प्राची, अगर हम आम लोगों की भाषा में इसको समझें तो ये मुझे बताया गया, एक इसरो के साइंटिस्ट ने बताया कि अभी तक इतना डाटा आ गया है कि आप 500 हाई डेफिनेशन मूवीज जब डाउनलोड करेंगे तो कितना डाटा आपको वहां पर कंज्यूम होगा, उतना डाटा यहां पर आ गया, उन सबको खंगाला जा रहा है, उसमें से जो बेहतरीन पिक्चर्स हैं, बढ़िया वीडियोस हैं, उनको असेंबल किया जा रहा है और हमें और पब्लिक को यहां पर सार्वजनिक तौर पर इसको दिखाया जा रहा है।
बहुत बड़ी बात यह है कि वो पांच लोग जो इस पूरे मिशन की रीढ़ की हड्डी थे, जिसमें इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ हैं, उसके अलावा वी शंकरन हैं, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं मुत्तुवेल वो हैं, उसके अलावा जो मिशन डायरेक्टर हैं एम श्रीकांत और जो उनकी एसोसिएट हैं कल्पना कालहस्ती, पांच लोगों से खास तौर पर कल एक मुलाकात जो होगी प्राइम मिनिस्टर की वो वाकई में देखने लायक होगी, क्योंकि ये लोग पांच लोग हैं जो अब इस पूरे मिशन के सुपर हीरो हैं। प्राची बिल्कुल देखिए राघवन, उन तमाम वैज्ञानिकों की मेहनत है जिन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत करके चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराई है, और जिन पांच लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं राघवन, उनके बारे में भी डिटेल जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। कल प्रधानमंत्री किन किन से मिलेंगे, प्रधानमंत्री क्या संदेश दे सकते हैं, ये एक एक जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे सीधा बेंगलुरु से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।